हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या फैसले लिए गए हैं, क्या निर्णय लिए गए हैं, इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे आज के अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक मुद्दा है सरकार के लिए, मौजूदा समय में माननीय श्रम मंत्री के लिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा। इसमें दो प्रकार की पेंशनों का जिक्र किया जा रहा है। पहले नंबर पे है जो न्यूनतम पेंशन है उनका, दूसरे नंबर पे जो हायर पेंशन है उनका। हायर पेंशन की पेंशन फरवरी से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को देने की ऐसी बातें सामने आ रही है। लेकिन दूसरे नंबर पे जो मिनिमम पेंशन है, मिनिमम पेंशन का मुद्दा काफी प्रखर होता है हुआ दिखाई, काफी जटिलता के साथ में उसको सॉल्व करने की बात सामने निकल के आई है कि श्रम मंत्रालय की तरफ हो, चाहे वित्त मंत्रालय की तरफ से हो, चाहे ईपीएफओ की तरफ से हो, उसको सॉल्व किया जा रहा है। इसको बहुत ही तीव्रता के साथ में उठाने वाले माननीय कमांडर अशोक रावत जी है, जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, और उनके द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर काफी ज्यादा बातें की जा रही हैं। हालांकि इनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर क्या आगे की रणनीति होगी, तो आगे की रणनीति में उन्होंने जो बोला कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर मैंने माननीय संबंधी जी से बात की थी, जब आंदोलन हो रहे थे कर्मी का आंदोलन, इसके बाद में जो आमरण अनशन हो रहे थे, उस आमरण अनशन में माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी से बात हुई थी, सुप्रिया सुले जी से बात हुई थी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर जिस प्रकार से सभी सांसदों का सपोर्ट उनको मिला था, वो सारी चीजें देखने के बाद कहीं ना कहीं तो ये तो भरोसा हो गया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन वृद्धि है वो आने वाले वक्त में बहुत जल्द की जाएगी। लेकिन इस प्रकार से अभी जो तो फिर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर लेट हो रहा है, लेट होने का मतलब है कि थोड़ा सा डिले हो रहा है। इन सारी चीजों को ध्यान में अगर रखें तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर दोबारा से वही संघर्ष, वही प्रयास, वही प्रयत्न करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ये माननीय कमांडर अशोक रावत जी की बात है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या दोबारा आंदोलन सफल हो पाएगा, क्या इसी प्रकार से भीड़ और इसी प्रकार से जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है, इसी प्रकार से सांसदों का जिस प्रकार से समर्थन मिला था, वो इसी प्रकार से जितने भी जो तो लोग थे सब उनका समर्थन मिल पाएगा अथवा नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, सोचने और समझने की बात यह है कि अगर मान लीजिए दोबारा आंदोलन पे बढ़ते हैं तो उतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाएगी, क्योंकि लोगों के पास भी बहुत सारे काम होते हैं, तो वहां पे जो तो पहुंचना बड़ा थोड़ा सा, आप खुद समझ लीजिए कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मैं क्या बोल रहा हूं। दूसरे नंबर पे है कि जितना भी मंत्री, सांसद, नेतागण थे, वो जिस प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के आंदोलन में शामिल हुए थे, जिस प्रकार से अपना समर्थन दिए थे, अगर दोबारा आंदोलन होता है तो हो सकता है कुछ प्रकार से समर्थन उनको न मिल सके। तीसरे नंबर पे संसदीय सत्र जो चल रहा था, वो संसदीय सत्र में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उस प्रकार से समर्थन नहीं मिल सके, और जिस प्रकार से श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और ईपीएफओ का भी समर्थन मिला था, वो भी हो सकता है कि उतना अच्छे से नहीं मिल सके। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हौसला हार जाए, हिम्मत हार जाए और अपना काम ही ना करें। इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखना है। तो जहां तक उम्मीद ये लगाई जा रही है कि कमांडर अशोक रावत जी आंदोलन तो करेंगे, लेकिन सोच समझ के करेंगे, कब करना है, किस प्रकार से करना है, वो सब कुछ देखेंगे। समस्याएं हो सकती हैं पुलिस प्रशासन से, जिस प्रकार से वहां से एक परमिशन ली जाती है आंदोलन करने से पहले कि ये परमिशन है, इतने तारीख तक हमारा आंदोलन चलेगा, इस जगह पे चलेगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा, इतने से इतने आदमी तक वहाँ पे इकट्ठे होंगे। तो बहुत सारे उसका जो तो जनरली प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को भी फॉलो किया जाता है, तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। बाकी अगर अपडेट आती है कि कब से आंदोलन है, कब से क्या है, वो सारी चीजें, तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से जरूर अवगत कराऊंगा। फिलहाल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।